टीवी इंडस्ट्री के हर एक सीरियल में हमें सीधी सादी और मासूम बहुएं देखने को मिली हैं, जिन्हें सीरियल में अपने से बड़ों का आदर करते हुए देखा जाता है और इन्हीं किरदारों को इन अभिनेत्रियों ने बेहद खूबसूरती से पेश किया है। इसलिए तो कई अदाकाराओं को असल जिंदगी में भी संस्कारी समझा जाता है, जो बड़ों का आदर करना अच्छे से जानती है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर बेहद ही हैरानी होगी कि टीवी सीरियल में सीधी सादी बहुओं के किरदार में नजर आने वाली कई अभिनेत्रियां असल जिंदगी में अपनों से बड़ों का बिल्कुल आदर नहीं करती। क्यों चौंक गए ना अभी, पर ये बात सच है। इनमें से कई अभिनेत्री असल जिंदगी में अपने से बड़ों का जरा भी आदर नहीं करना चाहती, जिनसे आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। तो देर ना करते हुए चलिए जानते हैं कि आखिरकार कौन सी है वो अभिनेत्रियाँ। नंबर वन, श्रद्धा आर्य। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम शुमार होता है सीरियल कुंडली भाग्य में राखी और महेश की संस्कारी बहू प्रीता बनी श्रद्धा आर्य का, जिन्हें भले ही सीरियल में सीधी साधु बहू के किरदार में देखा जाता हो, पर असल जिंदगी में ये बड़ों का आदर करना जरा भी नहीं जानती। दरअसल बताया जाता है कि एक बार जब श्रद्धा आर्य अपना इंटरव्यू दे रही थी और किसी ओल्ड एज मीडिया रिपोर्टर ने इनसे इनके करियर को लेकर सवाल पूछ लिया था, तब श्रद्धा आर्य इतनी छोटी सी बात पर ही उम्र में बड़े उस रिपोर्टर पर बुरी तरह से भड़क उठी थी। नंबर टू, मदालसा शर्मा। टीवी इंडस्ट्री के कई लोकप्रिय धारावाहिकों में सीधी साधी बहू के किरदार निभा चुकी अभिनेत्री मदालसा शर्मा की बात की जाए तो ये भी कई बार अपने से बड़ों के साथ बदतमीजी से पेश होती नजर आ चुकी हैं, जिनके बारे में बताया जाता है कि एक बार जब ये किसी शो की शूटिंग कर रही थी और उस शूटिंग के सेट पर उम्र में इनसे बड़े कैमरामैन भी मौजूद थे, जो इनकी किसी बात को नहीं सुन पाए थे, तब इन्होंने उम्र का बिल्कुल भी लिहाजा ना रखते हुए बेवजह ही उन पर चिल्लाना शुरू कर दिया। नंबर थ्री, मौनी रॉय। नागिन सीरियल में शिवान्या और शिवांगी का किरदार निभाकर मशहूर हुई अभिनेत्री मौनी रॉय ने हमेशा से एक संस्कारी बहू का किरदार निभाकर दर्शकों का दिल जीता है। लेकिन असल जिंदगी में अपने से बड़ी उम्र के लोगों के लिए इनका रवैया कुछ अलग ही है। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार जब ये किसी फिल्म की शूटिंग कर रही थी और उस फिल्म में इनसे कहीं ज्यादा बड़ी उम्र का व्यक्ति अपनी छोटी भूमिका अदा कर रहा था, जिन्होंने शूटिंग के दौरान इनके लिए पानी लाने से इनकार कर दिया था, तभी मौनी रॉय ने तुरंत ही उन पर चिल्लाना शुरू कर दिया था और उनके साथ खूब बदतमीजी से बातें भी करी थी। नंबर फोर, हिना खान। हालांकि इस बात पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये सच है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा की भूमिका निभाकर मशहूर हुई अभिनेत्री हिना खान को जहां ऑन स्क्रीन संस्कारी बहू के लिए जाना जाता है, तो वहीं ऑफ स्क्रीन ये अपनी झगड़ालू अंदाज के लिए मशहूर है, जिसका सबूत ये बिग बॉस के घर में भी छोड़कर आ चुकी है। यही नहीं बल्कि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिनेता करण मेहरा के साथ भी इनके झगड़ों की खबरें काफी लाइमलाइट में रही। और तो और, इन्हें कई बार अपने से बड़ी उम्र के लोगों के साथ भी बिना वजह लड़ते झगड़ते देखा जा चुका है। नंबर फाइव, निया शर्मा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सीरियल जमाई राजा और एक हजारों में मेरी बहनाएं में मुख्य भूमिका निभाकर मशहूर हुई अभिनेत्री निया शर्मा अपनी बेहतरीन अदाकारी से ज्यादा अपने लड़ाकू अंदाज के लिए मशहूर हुई है और इनका पत्रकारों, मीडिया और फिल्म निर्माताओं से खटपट करने का पुराना रिश्ता रहा है, जहाँ मुंबई में एक इवेंट के दौरान इन्होंने कई पत्रकारों से बहस कर ली थी, जिनमें से कई पत्रकार इनके पिता की उम्र के भी थे, पर इन्हें उम्र का कोई लिहाज नहीं था। वेल दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे टीवी इंडस्ट्री के इन बहुओं के इस रवैये के बारे में, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी और मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।